दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आचार संहिता लागू होते ही भाजपा के शासन का अंत हुआ। आज सोलन में आयोजित हुई परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली के माध्यम से हिमाचल की जनता को एक संदेश कांग्रेस पार्टी ने दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के हर मुद्दे को उठाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। जनता की हर समस्या को प्राथमिकता दी जाएगी और प्राथमिक रूप से उसका हल किया जाएगा। भाजपा के शासन का अंत हो रहा है 3 बजे। जयराम सरकार का जो है वो आज 3 बजे से पतन की दास्तान शुरू हो जाएगी। जिस हम तो बहुत अरसा से कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू किया जाए। आचार संहिता बहुत पहले लागू हो जानी चाहिए थी। जिस ढंग से रिसोर्सेज का दुरुपयोग हुआ, जिस ढंग से सरकारी एक्सचेकर का जो है इस्तेमाल हुआ, क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी एंड पावर, और 125-150 रैलियां इनको करने की इजाज़त दे दी गई सरकारी कोष पे, जिसमें कि टोटलिटी में जो पिछले 5-6 महीने में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में पुनर्स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपया खर्च कर दिया इन्होंने। सरकारी अमला, सरकारी असला, सरकारी मशीनरी, बसें सरकारी, मंच सरकारी, टेंट सरकारी, तब्बू सरकारी, सब कुछ सरकारी, फूल सरकारी और भीड़ भी सरकारी, सारे मशीनरी परेशान है। जिस ढंग से HRTC की बसेस जो है इस्तेमाल की गई हैं, 2,000 बसेस एक एक दिन में लगाई गई HRTC की, उन बसेस में 2 से 3 आदमी बैठते थे, इससे तो कोई मोटरसाइकिल लगा लेते आप। खाली बसें जो है, और जिस ढंग से मैं कल देख रहा था रैली ऊना में, चंबा में बसें भेजी जा रही रामपुर से, पोर्टा से, और हजारों बसेस का जो है तो कितना डीजल लगा, कितने दौड़ाई गई हैं, कितना ये सारी मशीनरी का क्रिमिनल तरीके से इस्तेमाल किया गया है पिछले 3-4 महीने में। वैसे तो बड़ा स्पष्ट है कि ये जो फैसले इन्होंने आखिरी 6 महीने में किए हैं, ये तो इन सब की तो समीक्षा होनी ही है जैसे ही शासन बदलेगा। और जो लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं इन्होंने, वो वापस लिए ही जाने हैं जो राजनीतिक आधार पे हुए हैं। लेकिन ये 6 महीने ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया, जो जयराम सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने किया। सरकारी मशीनरी को जो है इन्होंने रौंद के रख दिया गया, सारे तंत्र का इन्होंने जो है भट्ठा बैठा के रख दिया। और इसके लिए बहुत ऑफिसर ऐसे जिम्मेवार हैं जिन्होंने इस सरकार के को जो है बताया नहीं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए हम आचार संहिता की बात कर रहे थे। अगर आज आचार संहिता लग जाए, 3 बजे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट। प्रदेश के प्रतिष्ठित आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत हर 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा, और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एस्प्रेसो कार सहित लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का अवसर होगा। इसके अलावा ग्राहकों को हर खरीद पर निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। भूषण ज्वेलर्स प्रबंधन कुलभूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना में पहला इनाम मारुति एस्प्रेसो कार है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटायर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप, पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके, इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे, किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा। नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर्स से खरीदे आभूषण, जीते उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर्स सोलन।